आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2015 में शार्ली हेब्दो नाम की एक फ्रेंच मैगजीन पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाकर छाप देती है। फिर दो कट्टरपंथी मुस्लिम लड़के जो कि आपस में भाई भी थे, जाकर इस फ्रेंच मैगजीन के दफ्तर में गोलियां चलाते हैं, जिसमें 12 लोग मारे जाते हैं। सितंबर 2020 में जब इस हिंसा पर अदालती कार्रवाई शुरू होने को होती है, शार्ली हेब्दो एक बार फिर उन कार्टून्स को छापता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट शार्ली हेब्दो को डिफेंड करते हैं और अपने देश में फैल रहे इस्लामिक अलगाववाद की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। मैक्रों कहते हैं कि उनके देश में ईश निंदा की आजादी दी गई है और प्रवासियों को यह बात समझनी पड़ेगी। इसके कुछ वक्त बाद अक्टूबर 2020 में वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके कुछ ही दिन बाद सैमुअल पैटी नाम का एक टीचर अपने क्लास में बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझाते हुए शार्ली हेब्दो के वो विवादास्पद कार्टून दिखाता है, जिसके कुछ दिन बाद एक 18 साल का मुस्लिम कट्टरपंथी प्रवासी लड़का उनका गला काट देता है। नाटकीय रूप से चीजें बदलती हैं और मामला इस्लाम बनाम इमैनुअल मैक्रों, या ये कह लें कि इस्लाम बनाम फ्रांस हो जाता है। इस्लामिक देश फ्रांस के बहिष्कार की मांग करने लगते हैं और फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया भर में आवाजें उठने लगती हैं। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई देती है, जिसमें एक हिस्सा इसके खिलाफ तो एक इसके साथ खड़ा दिख रहा है। फ्रांस के चर्च में 3 गैर मुस्लिम लोगों की मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। देश में दंगों के हालात बन जाते हैं। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन का कारोबार अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। इस क्रम में लेटेस्ट एंट्री है एक ऐसी खबर की, जिसके मुताबिक फ्रांस ने पाकिस्तान के 183 नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया। ANI ने 1 नवंबर को रिपोर्ट जारी की, जिसमें लिखा था, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस ने फ्रेंच प्रशासन से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की बहन को अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी है। वो अपनी बीमार सास को देखने के लिए वहां रुकी हुई है। अहमद शुजा पाशा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के पूर्व मुखिया हैं। ANI की रिपोर्ट को याहू न्यूज ने पब्लिश किया। कुछ यही DNA ने भी रिपोर्ट किया और कहा, मैक्रो सरकार की यह कार्रवाई सीधे तौर पर इमरान खान के एंटी फ्रेंच बयान से जुड़ी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ब्लॉग पोस्ट में इस खबर को जगह मिली। इसे रिपोर्ट करने वालों में न्यूज 18, पत्रिका, न्यूज नेशन, अमर उजाला, आज तक, TV9 भारतवर्ष, दैनिक जागरण और जी न्यूज शामिल हैं। आज तक ने बाद में खबर हटा ली थी, लेकिन इसका आर्काइव लिंक आप हमारी वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर देख सकते हैं। असल में सभी रिपोर्ट्स एक फर्जी ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स पर आधारित थी। इस अकाउंट का नाम था कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस। इस अकाउंट के 450 से कुछ ही ज्यादा फॉलोअर्स थे और इसमें से कोई भी फॉलोअर नहीं किसी पाकिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ था या पाकिस्तान की सरकार का अधिकारी भी नहीं था, जो इस बात की एक बहुत बड़ी हिंट है कि यह एक फर्जी अकाउंट था। इसके बाद फ्रांस में पाकिस्तान के दूतावास के ट्विटर हैंडल ने इस गलत सूचना के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी थी। इस ट्वीट में बताया गया था कि पेरिस में पाकिस्तान के दूतावास का एक ही ट्विटर अकाउंट है, @PakInFrance। चूंकि यह ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं था, इसलिए ऑल्ट न्यूज ने पाकिस्तान के दूतावास का वेरीफाइड फेसबुक पेज चेक किया और यहां पर यह ट्विटर हैंडल @PakInFrance को मेंशन किया गया था। इसके अलावा इस ट्वीट को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी रीट्वीट किया था। यानी भारतीय मीडिया के एक बड़े तबके ने यह गलत दावा किया कि फ्रांस के 183 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया और 118 पाक नागरिकों को जबरन वापस भेज दिया गया। यह दावा इन आउटलेट्स ने पाकिस्तान के फ्रांस में दूतावास के फेक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट्स के आधार पर किया।